हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह से शुरू कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ नाश्ता। आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो मैं रात में तैयारी करके सोई थी, थोड़ा जो सफ़ेद मटर होता है वो भिगो के सोई थी, बस उसी का एक नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं। तो चाय मेरी और शर्मा जी की तो हो गई थी, और सानवी खुशी के लिए मैं ये एक एप्पल काट रही हूँ। बेसिकली सारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं आज। शायद शर्मा जी और मैं जाएंगे बाहर मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेकर आएंगे। तो अभी एक यही एप्पल ही पड़ा हुआ था मेरे पास, तो ये मैंने सानवी खुशी को दे दिया है। और मैं मटर की ना एक चाट जैसी बनाने वाली हूँ, नॉट स्पेसिफिकली जैसे चाट जो मटरा की चाट होती है वैसा नहीं, पर थोड़ा बहुत क्लोज ही है। तो इसके लिए मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ चॉप कर ले रही हूँ, एक प्याज ले लिया है, एक हरी मिर्च काट ली है मैंने, और दो खीरे, ककड़ी खीरा कहते हैं इसको यहाँ पे, तो ये काट दिया है मैंने, और एक टमाटर। और जो चाट होती है ना, जो दिल्ली साइड छोले सफ़ेद मटर की चाट कह सकते हैं उसे, उसमें है ना चटनियाँ पड़ती हैं, इमली की चटनी, मीठी चटनी, हरी चटनी। तो अगर वो चटनियाँ आप डाल देंगे तो बिल्कुल वही वाली चाट ये बन जाएगी, पर मेरे पास चटनियाँ नहीं थी तो मैं सिर्फ ये सब्ज़ियाँ और एक आधा मसाला डाल के बना लूँगी। झटपट बन जाता है ये नाश्ता और हेल्दी भी है। और यहाँ शर्मा जी आए हैं मेरी हेल्प कराने, देखिए इनकी इंजीनियरिंग शुरू हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी शर्मा जी आएंगे मेरी मदद कराने किचन में, ये हर बर्तन को इवैल्यूएट करेंगे, कौन सा घिस गया है, कौन सा पुराना हो गया, कौन सा हिल रहा है, कौन सा टूट रहा है। तो उन्होंने वो जो तवा था उसका स्क्रू थोड़ा सा ढीला था, उसको पहले कस दिया। और मैंने इनको टास्क दिया है कि ये जो ब्रेड है उन्हें बटर में थोड़ा सेक दें, पर उनको नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो बस मैं उन्हें थोड़ा सा सिखा रही हूँ। एक बार अगर समझा दिया जाए ना तो शर्मा बॉय इज़ वेरी गुड, फिर वो अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ एक उनको सैम्पल करके दे दिया, उसके बाद शर्मा जी कर देंगे सारी ब्रेड को टोस्ट और मैं बना दूँगी उधर पर चाट। तो ये छोले सारी रात सोक करने के बाद मैंने सुबह में उबाल लिए हैं, और ये जो अभी सब्जियां मैंने काटी थी ये सारी की सारी मैं छोलों में ऐड कर दूंगी, और साथ ही साथ ऐड करूंगी एक छोटे नींबू का रस। आप चाहें तो ज़्यादा नींबू का रस मिला सकते हैं, आपके पास इमली वाली चटनी हो, इमली का पानी हो तो वो और भी अच्छा टेस्ट देता है। इनफैक्ट अभी तो रेडीमेड इमली की चटनी और इमली के पेस्ट आते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नींबू डाला है। और इतना सब डालने के बाद इसमें थोड़े बहुत हम लोग मसाले डालेंगे और बस चाट हो जाएगी फटाफट तैयार। इधर शर्मा जी ने भी फटाफट से सारे जो टोस्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेक लिए हैं। एंड समहाउ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली में सबको इस तरह तवे पे बटर में सिकी हुई ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। हम लोग तो कभी कभी चाय से सीधे भी इसको खा लेते हैं, अच्छा लगता है। और ये है वो मटर की चाट, सारी सब्जियाँ और नींबू मैं इसमें डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। मसाले मैं हल्के रखूँगी, सिर्फ थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची का पाउडर इसमें डाला है, और थोड़ा सा मैं डालने लगी हूँ यहाँ पे भुना जीरा का पाउडर। आप चाहें तो इसमें आमचूर भी डाल सकते हो। मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा सा नमक, आमचूर मैं नहीं डालूँगी, मैंने यहाँ पे इंस्टेड थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। और बस इस सबको मैं एक क्विक सा मिक्स दूँगी, और हाँ थोड़ी सी चीनी भी मैंने डाली है। आपके पास अगर इमली वाली चटनी हो ना, खट्टी मीठी जिसे सौंठ कहते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है इसमें। मेरा तो स्टॉक ख़त्म हो चुका है, मुझे बनाना पड़ेगा। एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए, और इसको मिक्स करने के बाद तुरंत ही फिर खा लीजिए, अदरवाइज़ इसमें नमक है ना तो ये जल्दी जल्दी पानी छोड़ती है जितनी भी सब्जियां इसमें हैं, तो इसको बहुत रेस्ट करने के लिए मत रखिएगा। और यहाँ नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, एक टचअप सा क्लीनअप सा देकर बस अभी हम लोग चलेंगे डाइनिंग टेबल की तरफ खाना खाने के लिए।
नाश्ता करने के बाद हम लोग को जाना है बाहर। आज बहुत सारे काम टू डू लिस्ट में हैं और नाश्ता करने के बाद फटाफट हम सभी लोग शावर लेकर तैयार हो गए। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में नॉर्मल बॉडी लोशन से काम नहीं चलता है, आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, बेसिकली बॉडी बटर्स। बॉडी लोशंस के कंपैरिजन में बॉडी बटर्स थोड़े से थिक होते हैं और वो आपकी जो स्किन है उसको डीपली नरिश करते हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ का उपटन रेंज से ये बॉडी बटर। उपटन रेंज के बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, बहुत अच्छी रेंज है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। तो आप ये बॉडी बटर्स शावर लेने के बाद सुबह और बेड टाइम से पहले लगा सकते हैं और आपकी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं। ये हैं मामा अर्थ के दो नए बॉडी बटर्स, उपटन बॉडी बटर फॉर डीप नॉरिशमेंट बेसिकली एंड कोको बॉडी बटर फॉर डीप मॉइस्चराइजेशन। ये दोनों ही बॉडी बटर्स पैराबेन और सिलिकॉन फ्री हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और सभी स्किन टाइप पे बेस्ट सूटेड हैं। ये है इंग्रेडिएंट की लिस्ट, आप स्क्रीन को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। बेसिकली मामा अर्थ प्रोडक्ट्स हैं सभी केमिकल फ्री, इनमें किसी भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये पूरी तरह से क्रूल्टी फ्री भी हैं। आप देखिए टेक्सचर कितना अच्छा है, एकदम बटर जैसा, बिल्कुल भी रनी नहीं है ये। कोको बॉडी बटर के मेन कंपोनेंट से कोको एंड कॉफ़ी, इसलिए उसका कलर भी थोड़ा ब्राउन है और उसकी खुशबू भी एकदम कॉफ़ी जैसी है। जबकि जो उपटन बॉडी बटर है उसके मेन कंपोनेंट्स हैं टर्मरिक एंड हनी, इसलिए वो डीप नरिशमेंट आपकी बॉडी को देता है। कलर देखिए कितना अच्छा है, एकदम टर्मरिक जैसा, और इसकी जो सुगंध है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल है, आपको फ्लावर जैसा फीलिंग आती है। तो अगर आपको फ्लोरल खुशबू पसंद आती है तो आई एम श्योर आपको उपटन बॉडी बटर बहुत पसंद आने वाला है। और ये प्रोडक्ट भी पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है। बेसिकली मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री होते हैं। MRP है 599, बट मेरे यूजर्स के लिए रहेगा एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन, जिसका इस्तेमाल अगर आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल 20% डिस्काउंट। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। और मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट mamaearth.in, Amazon और नाइका पर। बस अभी अभी हम लोग डीमार्ट से आए हैं, सामान ये देखिए, दिखाने जैसा कुछ खास नहीं है। एक तो ये स्टूल लेकर आई हूँ मैं बाथरूम के लिए, और एक ये वाले ऑर्गेनाइजर्स, ये पहले है ना 20 रुपीज़ ईच आते थे, अभी 25 रुपीज़ ईच आते हैं। तो ऐसे एक एक ला ला के मैंने पूरे अपने डब्बे रिप्लेस कर दिए, अभी सभी ये कांच वाले रख दिए हैं। और ये 4 सूप बोल लाया है मैंने, यह है 60 रुपीज़ ईच। दो ये कप्स, ये है 59 रुपीज़ ईच। और दो ये टेरा कोटा बोलते हैं शायद इसे, बोल्स, ये है शायद 39, सिर्फ 39 रुपीज़ का है ये। यस एंड यस, हम लोग है ना चिप्स लेने गए थे, और मैंने लास्ट टाइम आपको जो दिखाया था चिप्स, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ये वाले चिप्स जो होते हैं ना, ये स्वीट पोटैटो चिप्स नहीं है, ये टैपियोका चिप्स हैं। तो गाइज यू आर राइट, ये टैपियोका चिप्स हैं, वो शॉप पर लिखा हुआ था ये टैपियोका चिप्स हैं, लेकिन जो भैया है वो इसे स्वीट पोटैटो चिप्स ही बोलता है, इसलिए हम लोग को लगा ये स्वीट पोटैटो चिप्स हैं। बिकॉज मैंने भी ये पहली बार इसी नवम्बर में खाया, उससे पहले कभी नहीं ट्राई किया था। और भी थोड़े चिप्स हैं, मुझे एक कमेंट आया था कि ये जो सोया स्टिक्स होती है वो कैसी दिखती हैं, ये देखिए ऐसी दिखती हैं ये पास से, कुछ कुछ चकली जैसी होती है ना, उस डिज़ाइन की भी होती हैं, गोल गोल नहीं है, स्टिक ही होती हैं पर चकली जैसा डिज़ाइन होता है। और बाकी ये है बनाना चिप्स, एक और था कुछ करेला चिप्स, ट्राई करने के लिए थोड़े से लेकर आई हूँ मैं। और
ये है वो राइस, ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा राइस है। आई यूज़ इंडिया गेट ब्लू वाला बैग। आटा आई यूज़ आशीर्वाद मल्टी ग्रेन। और एज सच कुछ है नहीं खास दिखाने का, बस वही जो मेरी रेगुलर शॉपिंग होती है उतना ही है। ये सारा सामान अभी मैं लगाऊंगी। और आज सारा ही दिन इतना बिजी था मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, उतना मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। इसके बाद आज है ना बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, बट इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, तो ये लोग भी ऑडियंस ही थे और हम लोग भी ऑडियंस ही थे, इसलिए हम लोग नहीं गए। क्योंकि जब आपके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना तो इवेंट को देखने का अलग ही मज़ा होता है। पर उस वीक में हम लोग, जैसा आपको पता है, शादी में गए हुए थे, तो मेरे बच्चे उतने रेगुलर नहीं रह पाए स्कूल में, तो इसलिए जब सिलेक्शन वगैरह हो रहा था, स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो दोनों नहीं थे बिकॉज एक्टिविटीज़ के दौरान, तो इसलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ और फिर इवेंचुअली हम लोग नहीं गए आज उनके स्पोर्ट्स मीट में। लेकिन सुबह से जो रेल बनी हुई है ना यार, इतना काम किया है आज बाहर का, स्पेशली ग्रॉसरी लेकर आए हम लोग, ग्रॉसरी लेकर घर नहीं आए थे, बाहर ही, फिर लंच भी बाहर ही किया। इसके बाद ये साड़ियाँ वगैरह जो मैंने दी थी, आपको याद होगा बहुत पुरानी बात है, वो उठाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला अभी तक। दो बार मैं गई भी थी इस दौरान, पर भैया का शॉप बंद था, तो आज वो भी उठा कर लेकर आई हूँ। थोड़े चिप्स लेकर आए हम लोग, और अभी ऊपर आते आते भी, हम लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं, तो हम लोग ऊपर आ रहे थे सामान लेके, तो नीचे सोसाइटी का मीटिंग जैसा कुछ चल रहा था, तो शर्मा जी वहीं अटक गए। वो आएंगे अभी, तो चाय वाय पियेंगे हम लोग, और इसके बाद फिर मैं डिनर में जो भी बनाऊँगी हल्का फुल्का, शायद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। ओके, तो मुझे है ना एक क्वेश्चन आया था कि आपने कहा है कि बच्चों को फाइनेंशियल हालत के बारे में ना बताया जाए, हम अमीर हैं कि गरीब हैं, ये सब बातें बच्चों को ना बताई जाए, तो फिर जब बच्चे ज़िद करते हैं दूसरों के फैंसी टॉयज या कपड़े देखकर, उस वक्त उनको किस तरह समझाया जाए। देखिए यहाँ पे है ना दो बातें हैं। फर्स्ट रूल तो ये कि आपके बच्चे जो हैं उनको सबसे अच्छी तरह आप ही समझा सकते हैं। मेरे बच्चों को सबसे अच्छी तरह मैं ही समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें सबसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती हूँ, ठीक है ना। आपके स्पाउस, फैमिली, किड्स जो भी हैं, उन्हें आप जानते हैं कि किस तरह की बातें वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे, किस तरह से बात करने से उनको बात समझ आएगी, तो इसलिए यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल देम। लेकिन जब आपने सवाल मुझसे पूछा है तो मैं मेरा ओपिनियन आपको बताना चाहूँगी। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या, इंसान अपने मन के पीछे पागल है, अपना मन का गुलाम है, ये बात तो एकदम क्लियर है। इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं है, आप कितने भी बड़े हो जाइए, पर आपका मन जो करता है आप उसके पीछे पीछे भाग सकते हैं, ठीक है। मच्योरिटी का, एज का उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे होते हैं ना वो इमैच्योर होते हैं, उनके साथ ये वेरी ऑब्वियस है कि वो दूसरे बच्चे को अच्छा खाते हुए या पहनते हुए या खेलते हुए देखेंगे तो उनका मन मचलता है, उनको चाहिए। बट देन आफ्टर सेइंग सो, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको आपके बच्चों को ना कहना भी सिखाना होगा और ना सुनना भी सिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग जो हैं दुनिया में, जिनके पास सब चीज़ें खरीदने की आज़ादी है, वो भी अपने बच्चों को सब कुछ दिला देते हैं, नहीं होता ना। बच्चे कच्चे मिट्टी का घड़ा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मिस इंटरप्रीट कीजिए इन्फॉर्मेशन को, लेकिन आप उन्हें समझा सकते हैं। और बच्चों को ना, मैं फिर से खुद को रिपीट कर रही हूँ, उन्हें ना बोलना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उनसे कुछ भी फेवर लेने की कोशिश कर रहा है और वो ना ही नहीं कर पाते, ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। और नो एज आंसर सुनना भी आना चाहिए कि बच्चे लोगों ने कुछ भी कह दिया, ये चाहिए वो चाहिए, और मम्मी पापा ने नो कह दिया और वो नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए या मिसबिहेव करें, तो दोनों चीज़ें, ना सुनना भी आना चाहिए ना कहना भी आना चाहिए। और मैं अपनी बात को रैप अप करूँगी इस चीज़ के साथ कि आई एम श्योर आप लोग जानते हैं, ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती है पर इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। इच्छाएं यानी वही मन के बेलगाम घोड़े, आप उनके पीछे कितना दौड़ेंगे, वो तो एक चीज़ मिलते ही दूसरी चीज़ की इच्छा करने लगता है। तो अपने आप को समझाना हमारे ही वश में है। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सब बच्चों को, दुनिया के हर बच्चे को जितना भी बेसिक होता है ना, उतना तो भगवान ज़रूर दें। और दुनिया के हर पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट कि वो अपने बच्चों को अपनी कुव्वत के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना बेस्ट और बेटर लाइफ दे सकते हैं उतना वो देने की कोशिश कर ही रहे हैं। और डिनर में मैं बनाने लगी हूँ चिली गार्लिक नूडल। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था और एनर्जी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा नूडल बना लेती हूँ, फटाफट से बन जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रेपरेशन कर रही हूँ। मैं अब पानी उबाल रही हूँ नूडल के लिए और थोड़ी सब्जियाँ चॉप कर रही हूँ, बेसिकली प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह। वो मैं आपको दिखा दूँगी जो जो सब्ज़ियाँ मैंने ली हैं, लेकिन यही सब्ज़ियाँ लेनी है, ऐसा नहीं है। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद आती हों वो आप ले सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हो। और मैं चाउमीन नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चिली गार्लिक नूडल्स। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन स्वाद में बहुत फ़र्क आता है। मतलब रेसिपी में, प्रोसीजर में कम फ़र्क है, पर स्वाद में बहुत फ़र्क आता है। और ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। मैं आपको रेसिपी बताऊँगी और आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएंगे। मैंने थोड़ी सी कैबेज, बीन्स, गाजर और कैप्सिकम भी काट ली है। अगेन, आपको इनमें से जो सब्ज़ियाँ पसंद आती हैं वो आप लीजिएगा, जो नहीं पसंद आती हैं वो मत लीजिएगा, आप रिप्लेस कर सकते हैं आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स के साथ। बस इन सबको ना थोड़ा सा बारीक चॉप कर लीजिए तो थोड़ा अच्छा मज़ा आता है चाइनीज़ में। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, और जैसा कि नाम है चिली गार्लिक नूडल, तो काफ़ी सारा गार्लिक पहले मैं भूनूंगी और अच्छे से भूनना है इसको। थोड़ा सा ना हमको ज़्यादा पकाना है, इसको कलर आना चाहिए जैसे बर्नट गार्लिक होता है, उतना तो नहीं पर अच्छा रेड हो जाएगा। आपने देखा अच्छे से रेड हो गया है गार्लिक। इसके बाद ऐड किया है मैंने इसमें प्याज, अदरक और हरी मिर्चें, और इन्हें थोड़ा सा ही भूनना है। चाइनीज़ खाने में सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा पंच रहे तो अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी है, अगर आपको नहीं उतनी क्रंची अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें कुक कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा सौते किया है मैंने प्याज वगैरह को, और इसके बाद ऐड कर दी मैंने रिमेनिंग सब्जियां इसमें, और इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, थोड़ा सा मैंने इसे कुक कर लेना है। बाकी नूडल जल जाने के बाद भी ये थोड़ी देर तो पकेगा ही, इसकी भुनाई होती रहेगी, तो उस हिसाब से आप सब्जियों को रख सकते हैं। यहाँ पे ये उबले हुए नूडल मैंने ऐड कर दिए हैं सब्जियों में, और अब इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है और वो है इसकी भुनाई बेसिकली। तो अभी तो ऐड कर रही हूँ मैं सारे सॉस इसमें। मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा डार्क सोया सॉस, जैसा कि नाम है चिली गार्लिक नूडल्स, तो थोड़ी चिली सॉस ज़्यादा जाएगी। ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस डाला है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे नमक स्वाद के हिसाब से। इन सभी सॉस में ना नमक होता है, तो नमक डालते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा। नूडल्स उबालते हुए मैंने नमक नहीं डाला था, इसलिए नमक मैं सब्जी और नूडल दोनों के हिसाब से डाल रही हूँ। और डाला है वाइट विनेगर यहाँ पे, और अब ये जो नूडल्स हैं इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। मैंने यहाँ पे दो स्पैचुलास ले लिए हैं, और ट्रस्ट मी गाइस, आपको इसे 8-10 मिनट भूनना है। स्लो कीजिएगा फ्लेम, फिर भूनिएगा, फिर फास्ट कीजिएगा, इससे इसको ना एक अच्छा सा वो स्मोकी फ्लेवर आएगा। आप अभी देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है, खोल खोल के सारे नूडल्स मैं भूनती रहूँगी, खोलती रहूँगी, और जब ये तैयार होगा तब आप इसका रूप देखिएगा, बिल्कुल ही बदल चुका होगा। एंड ट्रस्ट मी, आप ये एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है ये जो रेसिपी है, आप रिपीटेडली बनाएंगे आपके घर में। आप चाहें तो मिठास के लिए थोड़ा सा केचप भी ऐड कर सकते हो, मैंने केचप नहीं डाला है। और अब आप देखिए, आप आंखों से देखकर ही बता सकते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। अगर आप चाउमीन लवर हैं, आपको नूडल्स बहुत पसंद आते हैं, तो आपको देखकर ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितने यमी लगने वाले हैं आपको तब जब आप बनाकर इसको खाएंगे। बाय द वे, बहुत अच्छी बनी थी नूडल्स और सबको बहुत पसंद आए थे, और ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। काफ़ी देर से मैं इन्हें भून रही हूँ, बस वक्त है इन्हें सर्व करने का। डिश आउट करूँगी मैं, और हम चारों तो एक साथ ही खा लेते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो सब्जी रोटी नहीं होती, बाकी कुछ भी यहाँ वहाँ का चुटर पुटर, तो हम चारों एक ही प्लेट में खा लेते हैं। एंड लुक एट द नूडल्स, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं, बिल्कुल फालतू सॉस इसमें नहीं है, एकदम अच्छे से पके हुए भुने हुए नूडल्स हैं ये। आप ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएंगे। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, एंड रेसिपीज़ तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।